कनाडा के सुदूर उत्तर में एक ऐसी जगह है जहां विशाल टुंड्रा में ये प्रेत जैसे जीव घूमते रहते हैं। ये हैं आर्कटिक वुल्व्स। ये कहानी है एक असाधारण झुंड की, साथ और वफादारी की, जबरदस्त दुश्मनी और जानलेवा मुठभेड़ों की, नई जिंदगियों और समर्पित माओं की। पर यहां खुराक दुर्लभ है और भेड़ियों को इसे पाने के लिए लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। तो ये दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से इस एक में जिंदा कैसे रहेंगे? एल्समियर आइलैंड कनाडा के सबसे उत्तरी छोर पर मौजूद है। यहां सर्दियां एक लंबी और बेहद ठंडी रात जैसी होती हैं, और तब तापमान जीरो से भी 50 डिग्री नीचे गिर जाता है। और जब 4 महीने के अंधेरे के बाद आखिरकार सूरज निकलता है तो इसकी हल्की सी रोशनी ही बस गर्मी मुहैया कराती है। नॉर्थ पोल से सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी पर यहां कम ही जानवर इतने सख्त जान होते हैं कि जिंदा रह पाएं। यह है यूरिका पैक का एक युवा आर्कटिक वुल्फ जो हमेशा खुराक की तलाश में रहता है। एल्समेयर में जीना आसान नहीं है। शिकारी भी और शिकार बनने वाले भी दोनों ही यहां जिंदा रहने के लिए बराबर संघर्ष करते रहते हैं, और दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। इस भेड़िए को तजुर्बे ने सिखाया है कि ये इन वयस्क मस्क ऑक्सन के झुंड के सामने कहीं नहीं टिकता, तो बेहतर होगा कि ये इनका ख्याल छोड़कर अपने झुंड से जा मिले। यूरिका पैक ने 2 हफ्ते पहले एक बुल मस्क ऑक्स का शिकार किया था और ये उसी के बचे खुचे हिस्से को निपटा रहा है। मार्च के आखिरी दिन है और ये भेड़िए इस साल अभी तक तो खुशकिस्मत ही रहे हैं। सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने से काफी सारे मस्क ऑक्सन कमजोर हो गए थे, लिहाजा यूरिका पैक को फिलहाल खुराक की कमी नहीं होने वाली। उनके झुंड एक फैमिली जैसे होते हैं जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। अल्फा और स्नो वाइट लौट आए हैं। ये ब्रीडिंग पेयर यूरिका पैक का मुखिया है। ये तजुर्बेकार लीडर कई साल से साथ हैं। इनके बीच का रिश्ता मजबूत है और ये जीवन भर कायम रहेगा। आर्कटिक के हिसाब से अल्फा और स्नो वाइट का झुंड बड़ा है। इसमें 14 सदस्य हैं। इनकी इतनी बड़ी फैमिली इनकी महारत, अनुभव और समर्पण का सबूत है। अल्फा और स्नो वाइट अपने परिवार के प्रति बड़े ही वफादार हैं। इनके झुंड में हर एक का एक रुतबा है। बड़ी उम्र के भाई बहनों का रुतबा छोटों से ऊंचा है, और औकात भूलने पर इन्हें झटपट उसे याद दिला भी दिया जाता है। दूसरे गिने चुने जानवर ही इस बर्फीले इलाके में साल भर रह सकते हैं। आर्कटिक हेयर्स भी यहां की चरम दशाओं के हिसाब से बखूबी ढले हुए हैं। सर्दियों में इन्हें खुराक पाने के लिए बर्फ को खोदना पड़ता है। मस्क ऑक्सिस का गर्म अंडरकोट तीखी सर्दियों के महीनों में उन्हें ठंड से बचाए रखता है।
ये अपनी हिफाजत अपने बड़े बड़े सींगों और सख्त सर से करते हैं। ये बड़े ही आक्रामक जीव हैं और ये एल्समेर में भेड़ियों के खुराक बनने वाले सबसे खतरनाक जानवर हैं। अल्फा आराम कर रहा है और यही इसकी खास पहचान है। कोई शिकार करने के बाद यूरिका पैक उसका कोई भी हिस्सा छोड़ता नहीं। -40 डिग्री तापमान पर हड्डियां पत्थर जैसी सख्त हो जाती हैं। इन्हें इनके अंदर मौजूद फैटी पोषक मैरो चाहिए होता है। एक अकेली मादा पिंजर की तरफ आ रही है। ये जोखिम उठा रही है। ये जरूर बहुत भूखी होगी। इसे नहीं मालूम कि बाकी भेड़िये कैसे रिएक्ट करेंगे। इसकी तरफ अल्फा और स्नो वाइट का ध्यान चला जाता है, पर भूख के कारण ये भिड़ने का जोखिम उठाती है। कम उम्र नर को इसकी मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं लग रही, पर स्नो वाइट को ये मंजूर नहीं। अल्फा भी पीछा शुरू कर देता है। ये मादा जो भी है, ये झुंड अपनी दुर्लभ खुराक को इसके साथ शेयर नहीं करने वाला। इस पिंजर का बचा खुचा हिस्सा भी बेशकीमती है और ये इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक चलाना चाहेंगे। इन्हें जल्दी ही एक और शिकार मारना होगा। इस अकेली मादा को मजबूरन यहां से जाना पड़ता है और इसे अपनी फैमिली जल्दी ही बनानी होगी। अगर इस फैमिली को सर्दियों के महीनों के दौरान जिंदा रहना है तो स्नो वाइट और अल्फा को अपनी खुराक बचानी होगी। इस इलाके में किसी अकेले भेड़िये के लिए अकेले जिंदा रहने की गुंजाइश कम ही होती है। गुजरते हफ्तों के साथ साथ सर्दियां इस इलाके पर अपनी पकड़ ढीली करती जाती हैं। प्रवासी पक्षी आर्कटिक लौट आते हैं और ये निशानी है बसंत के लौटने की। यह है एक आर्कटिक फॉक्स। ये लेमिंग्स को ढूंढ रही है जिनकी सर्दियां बर्फ के नीचे मौजूद सुरंगों में बीतती है। ये ऐसी खुराक को ढूंढ रही है जो न दिखती है न जिसकी गंध आती है, बस ये आवाज से ही उसे ढूंढती है। ये आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए बहुत ध्यान से सुनती है। पकड़ लिया। लेमिंग्स आर्कटिक फॉक्स की सबसे आम खुराक है। इनकी खुराक में 85% हिस्सा यही होते हैं। दिन खत्म होने से पहले इसे ऐसे और कई पकड़ने होंगे। ये अकेली मादा भेड़िया टुंड्रा में एकदम अकेली है, तो ये मस्क ऑक्स जैसे बड़े शिकार को अकेले नहीं मार पाएगी। पर शायद आकार में किसी छोटे जीव को ये शिकार बना सके।
ये दिखने में किसी आर्कटिक फॉक्स जैसी ग्रेसफुल नहीं लगती और इसके हाथ भी कुछ नहीं लगता। इसे फिर कभी अपनी किस्मत आजमानी होगी। फिलहाल इसे कुछ और अहम मसले सुलझाने हैं। यह अकेली मादा पिछले 2 हफ्तों से इस इलाके में आती रही है। दरअसल ये अपने बच्चों के लिए एक मांद बना रही है। आर्कटिक में मांद के लिए अच्छी जगह ढूंढ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के कारण ज्यादा गहराई तक जाना मुमकिन नहीं होता। इसकी उथली मांद एक छोटी नदी घाटी में छिपी हुई है। ये यहाँ अपने नए बच्चों को गर्म, सूखा और सुरक्षित रख सकती है। ये इस समय एकदम अकेली है, क्योंकि इसका साथी खुराक लाने गया है। बसंत से जुड़ा बदलाव तेजी से होने लगता है। सूरज अब छिपता ही नहीं तो दिन की रोशनी और गर्मी 24 घंटे रहती है, पर क्योंकि बर्फ पिघल रही है, सिर्फ इससे जिंदगी आसान नहीं हो जाती। इसके साथी को गए कई दिन हो गए हैं। ये भूखी है, इसलिए पुकार लगाकर उसे बुला रही है, लेकिन इस तरह ये अपनी मौजूदगी दर्शा रही है और ये एक गलती है। इसकी तरफ अजनबी भेड़िए बढ़े आ रहे हैं। ये अकेली है, इसे एक बड़े झुंड की हिफाजत मुहैया नहीं है, लिहाजा ये नाजुक हालात में है। ये एक और ब्रीडिंग पेयर है और इसके बच्चे वयस्क हैं। हाउलिंग के जरिए इसने इस झुंड को चौकन्ना कर दिया जब ये गश्त पर निकला हुआ था। इसे मालूम नहीं था कि इसने एक प्रतिद्वंद्वी झुंड के इलाके में अपनी मांद बना ली है। ये इसकी गंध के जरिए इसके करीब पहुंचते जाते हैं। इन्हें अभी इसकी मांद नहीं मिली है, पर ये उसके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। ये तेजी से उन्हें अपनी मांद से दूर ले जाने की कोशिश करती है। अगर ये इस कोशिश में नाकाम रही तो इसके बच्चे मारे जाएंगे। आखिरकार हमलावर रुक जाते हैं और पीछा करना छोड़ देते हैं। शायद अब बच्चे सुरक्षित हैं, पर क्या वाकई? पीछा करने वाले मुड़कर घाटी की तरफ चल देते हैं।
पर किसी चीज ने इनका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इन्हें फिर से इस मादा की गंध मिल जाती है और ये सीधे उसकी मांद की तरफ चल पड़ते हैं। पहले मादा मांद में दाखिल होती है तो ऐसे में अंदर मौजूद बच्चों के बचने का सवाल ही नहीं है। प्रतिद्वंद्वी झुंडों के बीच ऐसी रेड्स कोई नई बात नहीं है, पर इसे फिल्माया पहली बार जा रहा है। माँ इस रेड को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती, ये और करीब नहीं जा सकती वरना ये उसे भी मार डालेंगे। मांद में 5 बच्चे थे और उन सभी को झटपट मार दिया गया। आपको शायद ये बात बेरहमी से भरी लगे, पर हमला करने वाले पैर के भी अपने बच्चे हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना है, पर उन्हें सुरक्षित रखने का उनके पास एक ही तरीका है, प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर देना। इनके इलाके में मांद बनाने वाला कोई झुंड कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो खतरा बन ही सकता है। अगर किसी फैमिली में सदस्यों की संख्या 1 से भी ज्यादा हो तो लड़ाई में उसकी जीत हो जाती है। आज अगर कोई नया झुंड यहां कामयाब होता है तो कल इन हमलावरों का अंत हो सकता है। खाना बर्बाद नहीं किया जाता, बच्चों का बचा हुआ हिस्सा बाद के लिए रख दिया जाता है। अब हमलावरों के लिए समय है अपनी मांद की तरफ लौटने का, जो यहां से 32 किलोमीटर दूर है। मादा कई घंटे बाद लौटती है। वो हमलावरों के जाने के बाद ही मांद पर लौटने की हिम्मत कर पाती है। ये उम्मीद कर रही है कि शायद कुछ बच्चे बच गए हों। हमलावर फिर लौट सकते हैं। इसे हर कहीं उनकी गंध महसूस हो रही है। इसकी मांद खाली है। अगर ये एक प्रतिद्वंद्वी झुंड के इलाके में अकेली रही तो इसके लिए खतरा हो सकता है। तो वक्त है इस जगह से विदा लेने का। बसंत का मौसम आगे बढ़ रहा है और बर्फ का पिघलना जारी है। स्नो वाइट और अल्फा अपनी मांद के करीब बने हुए हैं और इसकी वजह भी है। स्नो वाइट ने 3 बच्चों को जन्म दिया है।
यूरेका पैक के इन सबसे नए सदस्यों की तो अभी आंखें भी नहीं खुली हैं। इतने छोटे बच्चों का खुले में दिखाई देना दुर्लभ ही होता है। अल्फा और बाकी फैमिली काफी जोश में है। पर यहां बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं। किसी मुश्किल दौर में आर्कटिक वुल्फ के आधे बच्चे भी एक साल की उम्र तक जिंदा नहीं रह पाते। अगर स्नो वाइट और अल्फा को कामयाब होना है तो उन्हें पूरे परिवार की मदद की जरूरत होगी। यूरेका पैक में एक और नया वयस्क सदस्य आ जुड़ा है। कुछ दिन पहले एक अकेली मादा ने इन्हें ज्वाइन किया। यह है ब्लैक स्पॉट, जिसकी पूंछ के निचले हिस्से में एक अलग सा निशान है। इसे सिर्फ दूसरे सदस्यों ने स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि ये ऐसी अकेली मादा भेड़िया है जिसे मांद में बच्चों के पास जाने दिया गया है। तो कहीं ये पहले इसी झुंड की सदस्य तो नहीं थी? बच्चों के पैदा होने के बाद से खुराक पाने की जरूरत और बढ़ गई है। झुंड की मुखिया के तौर पर अक्सर स्नो वाइट को सबसे पहले खाने का हक है। ये एक बड़ा झुंड है और इनमें से कुछ की जिम्मेदारी बच्चों की रक्षा करने की है। मांद में रहने वाले सदस्यों तक जो भी खाना पहुंचता है उन्हें उसी से काम चलाना होगा, और दूसरों से मांगना अक्सर चलता रहता है। हर भेड़िया हर ट्रिप के दौरान 7 किलो तक मांस ला सकता है, बशर्ते शिकार भरपूर हो। ब्लैक स्पॉट इसके मुंह को चाटकर इसे उगलने के लिए मनाती है, और इसे भी निवाला मिल ही जाता है। साल के ज्यादातर दिनों में झुंड शिकार की तलाश में दूर दूर तक घूमता रहता है। ये शिकार के दौरान एक दिन में 40 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं और एक हफ्ते तक गायब भी रह सकते हैं। पर बच्चों के पैदा होने के बाद इन्हें लगातार इस जगह लौटना होता है। आर्कटिक हेयर्स मांद के काफी करीब आ गए हैं। कभी कभी खुराक खुद भूखे तक पहुंच जाती है। एक युवा मादा अपनी किस्मत आजमाती है। खरगोश और भेड़िये दोनों ही करीब 64 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं, और जिसने पहले गलती की उसी ने मात खाई। खरगोश मादा से आगे निकल जाता है, पर एक जानलेवा गलती करते हुए मांद की तरफ दौड़ पड़ता है। और स्नो वाइट इसे आसानी से पकड़ लेती है। बाकियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। किसी अकेले खरगोश से सबका पेट नहीं भरने वाला। ब्लैक स्पॉट एक मामूली निवाले की उम्मीद तो कर ही सकती है, पर स्नो वाइट एक बड़ा टुकड़ा हासिल कर लेती है, क्योंकि इसे अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए
अतिरिक्त एनर्जी चाहिए। अल्फा ये पक्का करता है कि इसे बड़ा हिस्सा मिले। ब्लैक स्पॉट बेशक अपना ज्यादातर समय बच्चों के साथ बिताती है, पर इसे बालों के अलावा कुछ नहीं मिलता। झुंड के दूसरे सदस्य अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। बसंत की खिली धूप में बच्चे एक बार फिर बाहर नजर आते हैं। ये सिर्फ एक हफ्ते के हैं और अब भी देख नहीं पाते। यूरेका पैक की मांद वाली जगह में एक से ज्यादा सुरंगें हैं। स्नो व्हाइट को समझ नहीं आ रहा कि अपने बच्चों को कहां रखे। कहीं इसे किसी खतरे का एहसास तो नहीं हो रहा। झुंड के ज्यादातर सदस्य अल्फा के साथ शिकार पर निकले हुए हैं, तो मांद पर मौजूद सदस्यों को लगातार चौकन्ना रहना होगा। तभी अचानक एक हमलावर वहां आ पहुंचता है। हमलावर सीधे मांद की तरफ बढ़ती है और हमला कर देती है। अब ब्लैक स्पॉट की मदद चाहिए होगी। स्नो व्हाइट जवाबी हमला करती है। इसे अपने बच्चों को बचाना होगा। हालांकि हमलावर अकेली है, फिर भी ये जूझती रहती है। ये ऐसा क्यों कर रही है समझ नहीं आ पाता। साइंटिस्ट ने इस तरह का बर्ताव कभी नहीं देखा है। फिर ये सीधे मांद की तरफ बढ़ती है। ब्लैक स्पॉट इससे आगे रहते हुए पहले मांद तक पहुंचकर अपने शरीर से घुसने की जगह को ब्लॉक कर देती है। इन्हें इस हमलावर को यहां से भगाना होगा, वरना ये बच्चों को मार देगी। साथ मिलकर स्नो व्हाइट और ब्लैक स्पॉट हमलावर को भगा ही देती हैं। तो इस बार बच्चे सुरक्षित रहे। बसंत की जगह अब गर्मियां लेती जा रही हैं और बच्चे भी ज्यादा बड़े और ताकतवर होते जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट अपना सारा समय इनके साथ बिता रही है और ये तो बच्चों को दूध भी पिलाती रहती है। ऐसा तभी मुमकिन है अगर ब्लैक स्पॉट के अपने बच्चे होते, और इसीलिए बेशक ये इसके अपने बच्चे नहीं हैं, पर इसमें बच्चों की परवरिश की चाहत है। दूध पिलाने वाली दो मादाओं का उन्हीं बच्चों का ध्यान रखना काफी दुर्लभ देखा जाता है, और उनके ऐसे व्यवहार को कभी फिल्माया भी नहीं गया।
जाहिर है कि दोनों मादाएं अपने बच्चों का काफी ध्यान रख रही हैं। तो बच्चे भी खूब फल फूल रहे हैं। बच्चों की परवरिश में सिर्फ भेड़िये ही व्यस्त नहीं हैं। आर्कटिक फॉक्सेस के भी कई बच्चे हैं जो उन्हें बराबर व्यस्त रखे हुए हैं। हर कोई चंद महीने रहने वाली आर्कटिक की गर्मियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। बच्चे कई हैं तो आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। नर लोमड़ी की जिंदगी पहले ही काफी मुश्किल होती है और ऊपर से हमला करते ये येगर्स तकलीफ और बढ़ा देते हैं। ये खुराक झटपट बच्चे को दे देता है, फिर निकल जाता है। आराम करने का वक्त नहीं, इसे आज 30 और लेमिंग्स पकड़ने होंगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे और ज्यादा ठोस खुराक लेने लगेंगे, इस जोड़े को इनका पेट भरने के लिए रोजाना 100 से भी ज्यादा लेमिंग्स पकड़ने होंगे। लेकिन फिलहाल तो बच्चों की दिलचस्पी खेलने में है। वैसे अगर इन्होंने अपना खाना नहीं खाया तो कोई और उसे खा जाएगा। इधर यूरेका पैक की मांद में गर्मियों का मौसम आसान नहीं रहा है। ये एक महीने से भी ज्यादा समय से किसी मस्क ऑक्स को नहीं मार पाए हैं। इतने बड़े झुंड को जिंदा रहने के लिए किसी बड़े शिकार की जरूरत है। स्नो व्हाइट ने कुछ छोटे शिकार पकड़े हैं, पर ब्लैक स्पॉट तो कुछ पुरानी हड्डियों से ही काम चलाने पर मजबूर है। ये खुराक काफी नहीं है, पर इसके जज्बे ने इसे बच्चों से जैसे बांध रखा है। ये फिर से भूखी रह जाती है। खुराक ढूंढने के मामले में येगर्स भेड़ियों से ज्यादा खुशकिस्मत रहे हैं। अगर इनके चूजों को अगस्त की शुरुआत तक उड़ने के काबिल बनना है तो तेजी से बढ़ना होगा। इनकी खुराक में कीड़े भी शामिल हैं और लेमिंग्स भी। आर्कटिक हेयर्स ने भी बच्चों को जन्म दिया है और अपने माता पिता से उलट लेवरेट्स यानी खरगोश के बच्चों को कुदरत ने बढ़िया कैमोफ्लाज दिया है। और अगर ये एकदम शांत बैठे रहें तो ये शायद नजर भी ना आए। पर येगर्स की रणनीति अलग तरह की होती है। इन हठीले पक्षियों के आगे तो अल्फा की भी एक नहीं चलती। हार मानकर अल्फा आगे बढ़ जाता है।
इधर यूरिका पैक की मांद पर कुछ गड़बड़ है। ब्लैक स्पॉट इतनी कमजोर हो गई है कि चल भी नहीं पा रही। ये बहुत बीमार हो गई है। इसका हर दिन बच्चों के साथ ही गुजरता है और इसे खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। जबकि स्नो व्हाइट शिकार करती रही है तो उसकी सेहत ठीक है। अल्फा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ब्लैक स्पॉट बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही है, फिर भी ये बच्चों को दूध पिला रही है। बच्चों की परवरिश की इसकी धुन अभी भी बरकरार है। झुंड के बाकी सदस्यों ने अब भी मामले की गंभीरता को समझा नहीं है। ये सभी भूखे हैं, पर ब्लैक स्पॉट तो भूख से बेहाल है। अगले दिन ब्लैक स्पॉट की मौत हो जाती है। इसकी मौत फिर से ये याद दिला देती है कि आर्कटिक में कोई भी मौसम आसान नहीं होता। गर्मियों में भी कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क बहुत मामूली सा होता है। ब्लैक स्पॉट की बॉडी मांद में है और बच्चे बार बार लौट कर उसके पास आते रहते हैं। स्नो व्हाइट और बच्चों के लिए ये समय बड़ा मुश्किल भरा है। दूसरे सदस्य शिकार पर गए हैं और कई दिन बाद ही वापस आएंगे। इस बीच ब्लैक स्पॉट की सड़ती हुई बॉडी से बच्चों में बीमारी फैल सकती है। ऐसे में स्नो व्हाइट के पास बच्चों को इस बांध से कहीं और ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसके बच्चे अभी सिर्फ 4 हफ्ते के हैं और इनके पंजे इतने छोटे हैं कि लंबी दूरियां तय नहीं कर सकते। सामान्य हालत में स्नो व्हाइट एक और महीने तक इन्हें कहीं और नहीं ले जाती। इस समय यहां से निकलने में खतरा है। स्नो व्हाइट एक अनुभवी मां है
ये जानती हैं कि यहाँ से 32 किलोमीटर पश्चिम में भरपूर खुराक मिल जाएगी। एल्समेर आइलैंड पर आर्कटिक हेयर्स की बड़ी तादाद होती है। यहाँ की पहाड़ी ढलानें खरगोशों के चरने के हिसाब से बेहतरीन हैं। तो ये हमलावर फिर चल पड़ते हैं। ये मस्क ऑक्स में कोई दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि इन्हें कुछ और नजर आ गया है। यहां एक दूसरे के इलाके अक्सर आपस में ओवरलैप हैं और अचानक इन इलाकों पर किसी दूसरे का कब्जा भी हो सकता है। यूरिका पैक का एक सदस्य हमलावरों के इलाके में काफी अंदर तक पहुंच गया है और अब उसे इस गलती की कीमत चुकानी पड़ रही है। ये जवाबी हमले की कोशिश करता है पर ये अकेला है। यहां भेड़ियों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है दूसरे भेड़िए। भेड़ियों की मौत की सबसे बड़ी वजह होती है इनके झुंडों के बीच की लड़ाइयां। बियाबान में आर्कटिक वुल्फ्स की उम्र 12 या 13 साल हो सकती है पर 5 साल से ज्यादा कम ही जी पाते हैं। हाई आर्कटिक में अकेले सफर करना जानलेवा हो सकता है। क्या स्नो व्हाइट का झुंड इसे और इसके बच्चों को समय रहते ढूंढ पाएगा? फिलहाल स्नो व्हाइट अपने बल पर ही पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती है। इसके बच्चे सुरक्षित हैं पर अभी इन्हें काफी दूरी तय करनी है। बच्चों को सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर चलने के बाद ही कुछ दिन के आराम की जरूरत पड़ती है। आखिरकार उसकी फैमिली के कुछ सदस्य आ पहुंचते हैं। ये इसकी गंध का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। स्नो व्हाइट को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इनकी मदद चाहिए। खरगोश के बच्चे काफी और ज्यादा बड़े भी हैं पर स्नो व्हाइट को खरगोशों का शिकार करने के लिए अभी पहाड़ियों तक का 16 किलोमीटर का फासला और तय करना है। पर दूरी अब घट गई है। इसके बच्चे अब ठोस खुराक लेने लगे हैं और इनकी भूख भी अब बढ़ गई है। सही खुराक मिलती रहे तो किसी बच्चे का वजन एक दिन में 200 ग्राम तक बढ़ सकता है। बड़ी उम्र का एक बच्चा एक निवाला पाने की कोशिश करता है पर यह खुराक सिर्फ छोटों के लिए है।
उसे खुद अपनी खुराक जुटानी होगी और फैमिली को आगे बढ़ते रहना होगा। पश्चिम में और आगे कॉटन ग्रास के मैदान हैं, जो चराई के लिहाज से खरगोशों के लिए भी बढ़िया हैं और मस्क ऑक्स के लिए भी। साल का ये समय सभी जानवरों के लिए अच्छा है। ये वक्त है गर्मियों की धूप का फायदा उठाते हुए सर्दियों के लिए भंडार जमा करने और आराम करने का। सिर्फ 6 हफ्ते बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी। पहली बार इन बच्चों को बहुत ही ठंडे तापमान और घुप अंधेरे वाले महीनों का सामना करना पड़ेगा। पर इस झुंड ने अपने समर्पण और वफादारी से यह साबित कर दिया है कि यहां एल्समेर आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए जो खूबियां चाहिए वो इनमें हैं। Thank you.